हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें बनाते हैं और वो सही नहीं बनती है, बिगड़ जाती है। तो आज मैंने आपके साथ इसलिए ये रेसिपी शेयर की है कि अगर किसी को सही सही आती होगी तो वो मुझे ज़रूर बताए। और इसको बनाने के लिए मैंने चावल को धो के सुखा लिया था और उसको पीस के आटा बना लिया था। चने की दाल को 1 कप मैंने लिया था और उसको भिगोने के बाद उसका एक बढ़िया सा कूर बनाया था। और दाल पीसने से पहले मैंने उसको गलाई थी नमक हल्दी वगैरह डाल के। और आटा बनाने के लिए 2.5 गुना पानी मैंने डाला था। 1.5 कप आटा था चावल का और पानी मैंने उसमें 3 कप और 3/4 कप यूज़ किया था। और पानी में मैंने नमक, तेल और लाल मिर्ची डाली थी और इसका एक बढ़िया सा आटा बना लिया था, चावल का आटा जैसे होता है। और कहाँ ये रेसिपी गड़बड़ हुई मुझे खुद भी समझ में नहीं आई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही सही आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके बाद चावल का आटा जब हो गया था तो इसको मैंने ढक दिया था कि ये ठंडा हो जाए। और दाल जब गल गई थी तो दाल को हल्का सा पीस के फिर इसका मैंने कूर बना लिया था, गरम मसाला और हींग वगैरह डाल के। प्याज मैंने नहीं डाला था और दाल पीसने के बाद भी थोड़ी सूखी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था बाद में कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। और बहुत अच्छा इसका मसाला बना था। मुझे लगता है कि इसका जो कूर दाल का था वो पराठे और समोसे वगैरह के लिए अच्छा जाता, लेकिन ये जो चावल का परा मैंने बनाया वो पता नहीं क्यों पूरा का पूरा ही ख़राब हो गया और पूरा फट गया था। तो मसाला बहुत बढ़िया बना था, एकदम मज़ेदार था, चटपटा सा। और आटे को मैंने एक बार अच्छे से मठाड़ लिया था थोड़ी सी घी लगा के। और आटा जब चिकना हो गया था फिर मैंने इसको यूज़ किया था परा भरने के लिए। और काफ़ी गर्म था, हाथ भी थोड़ा सा जल रहा था। तो सही सही रेसिपी अगर आप बनाते हैं अपने घरों में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अब इसको बेलने के लिए मैंने एक पन्नी पर थोड़ा सा घी लगाया और फिर उसकी एक लोई रखी चावल के आटे की। और इसको मैंने ना कटोरी से दबा के बेला था, बहुत आसानी से बेल जा रहा था, ये एकदम एक जैसा था, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला, बहुत फटाफट से ये सब हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको स्टीम करने के लिए रखा तो ये सारा का सारा ही फट गया था। इसी तरह से मैंने 5-6 फरों को भर लिया था और फिर इसके बाद स्टीमर को भी एक साइड में गर्म होने के लिए रखा था। स्टीमर गर्म हो रहा था और जैसे ही ये सारा कुछ भर गया था 5-6 और स्टीमर भी अच्छे से गर्म हो गया था, फिर मैंने उसको 10 मिनट के लिए करीब करीब स्टीम किया था। और स्टीम करने के टाइम में मैंने उसमें थोड़ी सी करी लीव्स रखी थी और घी लगा दिया था जिससे कि फरे चिपके ना। और आप कैसे स्टीम करते हैं ये भी मुझे बताइएगा, और कितने टाइम के लिए स्टीम करना होता है ये भी मुझे बताइएगा। और इसके बाद जब ये स्टीम होने के लिए रखे तब तक तो सब कुछ सही था, मुझे लगा कि बढ़िया बनेगा ये, लेकिन 10 मिनट बाद मैंने जब इसको खोला तो ये सारा का सारा ही खुल गया था और खाने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था जैसे कि हम फरा वगैरह खाते हैं, वैसा नहीं था, थोड़ा गीला टाइप का लग रहा था। तो कहाँ गड़बड़ी हुई ये जानना ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर आप शेयर करिएगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और सारी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।